जाते हैं क्षेत्र में कोई भी समस्याएं होंगी, कोई भी परेशानी होगी, तो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वहां पे जाता है। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि क्या, कोई भी दल का जनप्रतिनिधि या कोई भी दल का व्यक्ति वहां पे जाता है। उसी के तहत मैं भी हमारे विकासखंड सुजानगंज में एक पुलिया लगभग हफ्ता 10 दिन से क्षतिग्रस्त हो गई है, बीच में से टूट गई है। तो मेरी अधिकारियों से, जिलाधिकारी से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात हुई थी, वार्ता हुआ था फ़ोन पे, कि इसको आके विजिट कर लिया जाए, उसको देख के तुरंत इसका पुनः से निर्माण करा दिया जाए। तो उसी के साथ कल अधिकारी आने वाले थे, तो जानकारी मुझे दिए थे कि विधायक जी हमारे हैं, आपको कोई समस्याएँ परेशानियाँ हों तो आप भी आ जाइएगा, जनता की जो भी समस्याएँ हैं आप बता दीजिएगा। तो अधिकारी उधर से आए और मैं भी वहाँ पे गई, तो मेरे जब तक मैं पहुँची नहीं उससे पहले ही वहाँ पे पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी अपने लगभग 50-60-70 समर्थकों के साथ पहले से ही बड़े ही सुनियोजित ढंग से वो पहले से मौजूद थे वहाँ पे। जैसे ही मैं पहुँची वैसे ही उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे, शोर मचाने लगे, नारेबाजी बहुत देर तक उन्होंने किया। तो अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई कि इससे कोई भाई अगर बनेगा पुलिया तो कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि आवागमन है, तमाम बच्चे उधर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तमाम कर्मचारी जाते हैं। अब उसी के तहत अधिकारी मुझसे बात कर रहा था तो पूर्व विधायक जी को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको। अभी मैंने आपको भी एक वीडियो दिखाया है, तो अधिकारियों से वो झगड़ने लगी, उलझने लगी कि तुम उधर क्यों गए, तुम हमारे पास क्यों नहीं आए, तुमने हमसे क्यों बात नहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम उधर चले जाओगे, हम तुमको चप्पल से मारेंगे, जूते से मारेंगे। ही बहुत सारी गालियाँ उनको दी गई, न जाने क्या क्या शब्द उनको कहा गया। ये तो खैर है कि बेचारा एशियन जो है वो डर के मारे तहरीर नहीं दिया है, लेकिन जब अधिकारी से उलझ के तमाम चीज़ें होके वो खाली हुई तो उसके बाद वो मेरी तरफ वो हमसे झगड़ा करने लगी, हमें तमाम प्रकार की गालियाँ देने लगी और अपने समर्थकों को उकसा दी कि इसको मारो पीटो और मार पीट के इसकी हत्या करवा दो। मैंने देखा था कि कुछ उनके समर्थक जो हाथ में असलहे भी लिए हुए थे। तो किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी, क्योंकि भाई मैं तो सामान्य रूप से गई थी, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग नहीं थे, मेरा गनर था और मेरे साथ 2-4 लोग थे ही, मैं और मेरे कुछ लोग जो है हम लोग वहाँ से भाग के चले। जैसे ही थोड़ी दूर पे पहुँचे मैंने तुरंत कप्तान को फ़ोन किया अपने फ़ोन से और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं तुरंत अभी CO को भेजता हूँ और थाना अध्यक्ष को भेजता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद थाना अध्यक्ष आए वहाँ, फिर मामला थोड़ा शांत हुआ। मैं तो वहाँ से निकल गई थी, काफ़ी आगे आ गई थी, तो मैंने उसी के तहत लिखित में तहरीर दी थाने पे। हाँ, थाने पे मैंने तहरीर दी कि हमारे मुझे जान से मारने की प्रयास किया गया, उस भीड़ में मुझे जान से मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, जैसा कि मैंने देखा। अगर मैं नहीं भाग के आई होती हो सकता है मार दिए होते मुझे वो भाई, हाथ में असलहे भी थे, कुछ भी हो जाता। अगर हम नहीं भाग के आए होते, मेरे गनर को तो धकेल के भागा बाहर दूसरी तरफ कर दिया था, मेरा गनर भी मेरे साथ नहीं था। मैं तहरीर दी, लगभग मैं 3 घंटे थाने पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद भी मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मैम, जब 3 घंटे से आप बैठी हैं, आपका तहरीर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, तो आम जनता का कैसे न्याय होगा? बिल्कुल मैं वही कहूँगी इसके लिए। मैंने कप्तान से भी बात किया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है। मैंने वहाँ पे फ़ोन से तुरंत मैंने ADG साहब को फ़ोन किया, ADG वाराणसी को, उनको भी मैंने स्थिति से अवगत कराया और बताया कि मेरी तहरीर नहीं लिखी जा रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी मैं तुरंत FIR करवाता हूँ। उसके बाद भी न जाने क्या दबाव हुआ कि अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने मेरी FIR तक नहीं लिखी। मैं 3 घंटे से ऊपर बैठी रही, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ऊपर से ये लोग अधिकारी भी, पुलिस प्रशासन भी यही चाहता है कि इनकी हत्या करा दी जाए। भाई अगर वो हमारी FIR नहीं लिख रहे हैं, पीड़ित की बात नहीं सुन रहे, तो इसका सीधा सा ये मतलब है ना कि वो चाहते हैं कि मेरी हत्या हो जाए, मेरी सुरक्षा को लेकर वो संवेदनशील नहीं है। अगर आप ये देखिए, यहाँ पे मैं देखती हूँ सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जनता की सुरक्षा को लेकर हम संवेदनशील हैं और जो भी प्रयास हो रहा है हम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाषणों में ये हो रहा है, वास्तविकता में नहीं हो रहा है। जब मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होकर 3-3 घंटे बैठी हूँ, थानों पर मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है, तो आम जनता का क्या होगा? इससे तो भविष्य तो आपको दिख रहा है इसका।